नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। भारत अगले साल इंग्लैंड की मेजबानी करने वाला है। सौरभ गांगुली ने स्पष्ट कर दिया है कि टीम इंडिया अगले साल फरवरी के महीने में इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलने वाली है। तब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलकर आई होगी। साथ ही बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने सभी राज्य संघों को आश्वासन दिया है कि जब महामारी के बीच स्थिति ठीक हो जाएगी तब घरेलू क्रिकेट भी शुरू हो जाएगा। हालांकि गांगुली ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सीजन कब से शुरू होगा। गौरतलब है कि क्रिकेट ना होने की वजह से सारे राज्यों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आमतौर पर जब सीरीज खेली जाती थी तो राज्य संघों को उससे कमाई भी होती थी, साथ ही सीजन से आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। दूसरी ओर आमतौर पर भारतीय क्रिकेट का घरेलू सीजन अगस्त में शुरू हो जाता है, लेकिन महामारी ने घरेलू कैलेंडर को बुरी तरह से प्रभावित किया है। गांगुली ने राज्य संघों को पत्र के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि बोर्ड द्वारा तारीख तय करना अभी बाकी है। आपको बता दें, घरेलू सीजन अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के साथ शुरू होने की उम्मीद है, जो कि नवंबर के तीसरे हफ्ते से खेला जाना है। गांगुली ने अपने पत्र में लिखा है, बीसीसीआई ये सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है कि कब और किन परिस्थितियों में घरेलू क्रिकेट शुरू होगा। घरेलू क्रिकेट में शामिल खिलाड़ियों और अन्य सभी लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का जिम्मा बीसीसीआई के लिए सर्वोपरि है और हम सभी पहलुओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा सौरभ गांगुली ने आगे लिखा, सभी सदस्यों को भविष्य में कार्रवाई के बारे में सूचित कर दिया जाएगा और घरेलू क्रिकेट को फिर से शुरू करने से पहले सुझाव लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई को उम्मीद थी कि अगले कुछ महीनों में कोरोना महामारी की वजह से स्थिति में सुधार होगा और घरेलू क्रिकेट एक सुरक्षित वातावरण में शुरू हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांगुली ने कहा है कि इस साल के अंत में भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा और वहां से लौटने के बाद हम लोग इंग्लैंड की मेजबानी करने वाले हैं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।